बिहार आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आयोजित होना है। नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव जो है वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और बीजेपी 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने यहां पर बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि धोखा दिया है नीतीश कुमार ने और इसका परिणाम भुगतना होगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच ये वार पलटवार 2017 का है, जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। तब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि नीतीश के तो पेट में भी दांत हैं। उन्होंने लिखा था, क्या आप पेट के दांत ठीक करने वाले किसी डेंटिस्ट को जानते हैं? बिहार में जनादेश का एक मर्डरर है जिसके पेट में दांत हैं। उसने सभी नेताओं और पार्टियों को ही नहीं बल्कि बिहार के करोड़ों गरीब गुरबों को भी अपने विष दंत से काटा है। आज फिर से सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद का ये ट्वीट वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद की कही बातें सही साबित हो रही हैं। हम तो उनको पलटू कुमार तो आज तक नहीं कहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने उनको कहा है पलटू चाचा, हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा। अगर यही हो रहा है तो मान के चलिए कि तेजस्वी जी की पुरानी बात फिर सही हो जाएगी। कहा जा रहा है कि जो नीतीश चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि कभी और किसी भी परिस्थिति में वो आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे और वो आज फिर से लालटेन जला रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता, या मिट्टी में मिल जाए रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़। 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने कई बार अपनी राजनीतिक निष्ठा बदली। वर्ष 1994 में वो नीतीश ही थे जिन्होंने तत्कालीन जनता दल में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बगावत की थी। फिर नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। फिर 2003 में समता पार्टी और शरद यादव के नेतृत्व वाली जेडीयू का विलय हो गया। जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 में गठबंधन हुआ था, लेकिन साल 2013 में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना नीतीश को रास नहीं आया, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी से 17 साल पुराना नाता तोड़ लिया था और एनडीए से अलग हो गई थी। इसके 2 साल बाद ही उन्होंने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए अपने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। फिर 2017 में उन्होंने महागठबंधन से भी मुंह मोड़ लिया। आने से पहले बोलते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर एनडीए के साथ चले गए। तो जो नेता अपने शब्दों पे ही नहीं टिकता हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी रहती नहीं है, तो ऐसे में अगर वो किसी पे कोई भी आरोप लगा ले, जनता इस बात को जानती है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। यानी सीएम की कुर्सी पर काबिज होने के लिए नीतीश ने कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी को चकमा दिया। ये वही नीतीश हैं जो कभी कहा करते थे कि पीएम मोदी से मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं है। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया, हम लोगों उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। जो लालू यादव नीतीश कुमार का राजनीतिक विसर्जन करना चाहते थे और जिस लालू यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि चाहे तो वो गोली मरवा सकते हैं, आज उन्हीं की पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हम यहाँ पटना आए हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे, सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते, अगर चाहे तो गोली मरवा सकते। ये अलग बात है कि जिस कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ नीतीश कुमार वोट मांग कर सत्ता में आए थे, आज नीतीश उन्हीं से हाथ मिला लिया है।
नीतीश के दागदार इतिहास को देखते हुए राजनीति के जानकार तो ये भी मानते हैं कि जब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार रहेगी तब तक आरजेडी को ये डर बना रहेगा कि न जाने कब नीतीश उन्हें चकमा दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नई सरकार के ऐलान के बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं